21 तारीख को होने वाली विशाल शोभा यात्रा को लेकर आज श्री परमानंद धाम खोरी में श्री हरिओमदास जी महाराज के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सापरा व आसपास के क्षेत्र से बहुत से कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस शोभा यात्रा में की कुछ रूपरेखाएं तैयार की गई। वो रूपरेखाएं कुछ इस प्रकार से हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पूर्व 21 जनवरी को परम पूज्य संत श्री हरिओमदास जी महाराज श्री परमानंद धाम खोरी के सानिध्य में शाहपुरा में एक बड़ी विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर श्री परमानंद धाम खोरी में आज बैठक आयोजित की गई। शाहपुरा और आसपास के गांवों से बहुत अधिक संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे, इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी भाग लिया। बैठक परमानंद धाम खोरी में आयोजित थी और इसका नेतृत्व श्री हरि ओमदास जी महाराज के द्वारा किया गया और सापरा व आसपास के क्षेत्र से कार्यकर्ता मौजूद रहे उपस्थित रहे इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी भाग लिया, जिसमें व्यापार मंडल, श्रीराम सेवा समिति, आर के ग्रुप सेवा समिति, विश्व हिंदू परिषद, गायत्री परिवार, पुजारी महासंघ आदि संगठनों ने भाग लिया। उपस्थित जनों ने सर्वसम्मति से शाही लवाजमे के साथ शाहपुरा में खातेड़ी मोहल्ले से चंद्रमहल पैलेस गार्डन से प्रारंभ होकर पीपली तरह होते हुए खोरी रोड से श्री परमानंद धाम खोरी तक एक विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, ऐसा सर्वसम्मति से तय किया गया। इसमें अनेक प्रकार के व्यवस्थाओं में बग्घी, घोड़े, ऊंट, घाटी आदि व्यवस्था सजावट के रूप में करी जाएगी। भगवान श्री अक्षय राम जी की सजीव झांकी, हनुमान जी की सजीव झांकी आदि झांकियों के द्वारा मनोरम दृश्य के साथ में संपूर्ण मार्ग में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी की गई है। चार स्थानों को चिन्हित कर जेसीबी के द्वारा पुष्प वर्षा किया जाएगा। यह सब कार्य परम श्रद्धेय पूज्य संत श्री हरिओमदास जी महाराज के सानिध्य में होगा।